जिला साकेत कोर्ट परिसर आज गोलियों की गड़गड़ाहट दिखा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कोर्ट परिसर के अंदर दिन दहाड़े सबके सामने महिला को चार गोली मारी गई। शुक्रवार सुबह यानी कि आज साकेत कोर्ट में गोली चलने से हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर में कड़े सुरक्षा इंतजाम होने के बावजूद एक वकील ने महिला पर चार गोलियां दाग दी। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि जब कोर्ट परिसर में सरेआम गोली चली तो किसी ने ये पूरा वाकया अपने फोन में कैद कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कोर्ट परिसर के लॉयर्स ब्लॉक के बाहर दोनों के बीच कहासुनी होती है। अचानक महिला हमलावर की तरफ जाती है, तभी वो पीछे हटता है और महिला पर फायरिंग शुरू कर देता है। महिला को दो गोलियां पेट में लगी हैं और दो गोलियां शरीर के अन्य हिस्सों में लगी हुई बताई जा रही है। तभी कुछ वकील घायल महिला को सहारा देते हैं, इसी बीच हमलावर वहां से फरार हो जाता है। गौरतलब हो कि दिल्ली पुलिस ने घटना को लेकर पुलिस की टीमें गठित कर दी हैं और जांच को तेजी और तत्परता के साथ शुरू कर दिया है। आरोपी फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद से मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस की टीम आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी है। वहीं घायल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोर्ट परिसर में गोली चली हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डार्क क्राउड न्यूज।